नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको किन सेटिंग का ध्यान रखना होगा अपने चैनल को ओपन करने के टाइम पर, जो कि आपके चैनल ग्रो होने में आपकी मदद कर सके। जी हाँ, हम इस वीडियो में 3 सेटिंग बताने वाले हैं आपको। आपको चैनल ओपन करने के बाद तुरंत ही इसको फॉलो करना होगा, जिससे आपका चैनल ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि मैंने भी अपना चैनल ओपन किया था, तब मुझे ये नहीं पता था ये 3 सेटिंग करनी करनी है, पर जब से मैंने ये 3 सेटिंग की है तब से मेरा चैनल ग्रो हुआ है, 100% ग्रो हुआ है आप सभी के सामने। आज हम उसी के बारे में ये बात करने वाले हैं, आपको कौन सी 3 सेटिंग करनी है अपने चैनल पर जिससे आपका चैनल ग्रो हो सके। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, प्लीज़ नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को दबाना मत भूलो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको फर्स्ट सेटिंग जो आपको अपने चैनल में करनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट सेटिंग करनी है अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड करना होगा। जी हाँ, जब तक आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड नहीं करते तब तक आपके चैनल ग्रो होने के चांसेस इतने नहीं बढ़ते। जैसे ही कि मैंने भी अपने सब्सक्राइबर्स हाइड किए हुए थे, जिस वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स आने शुरू हो गए थे और सब्सक्राइबर्स ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते मेरे 1K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए आप सभी के सामने। आपको सब्सक्राइबर्स हाइड करने के क्या फ़ायदा हो सकता है? जैसे कि मान लो आपका एक न्यू चैनल है, आपके करीबन 100 या 150 है सब्सक्राइबर्स हैं और आप वीडियो अपलोड करते हो, आपके वीडियो पर कोई व्यूज़ आता है तब आपके सबसे पहले देखे जाते हैं सब्सक्राइबर्स। हाँ, आपके सब्सक्राइबर्स 100 या 150 देखे जाते हैं तब उनको भी लगता है हाँ अभी इसके सब्सक्राइबर्स भी कम हैं, चलो इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और चले जाते हैं वीडियो देखकर। और अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स को ऐड नहीं करते, शो करके रखते हो 100 या 150, जो भी व्यूवर्स न्यू आएगा आपकी वीडियो को देखेगा और बोलेगा हाँ यार इसके 100 या 150 सब्सक्राइबर्स से ये हमको क्या सिखाएगा, इस वजह से वो आपकी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते, वो चले जाते हैं। सबसे पहले आपको अपने YouTube होम पेज में जाना है। होम पेज में जाने के बाद डैशबोर्ड के नीचे ही आपको एक चैनल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चैनल के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको चैनल के ऑप्शन के नीचे और 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे लास्ट में होता है एडवांस। आपको एडवांस में क्लिक करने के बाद आपको दूसरा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इंटरफेस खोलने के बाद आपको सबसे नीचे आता है सब्सक्राइबर्स काउंट। जी हाँ, उसमें एक होता है सब्सक्राइबर्स काउंट, आप किसी को सब्सक्राइबर्स दिखा सकते हो, और दूसरा होता है डू नोट सब्सक्राइबर्स काउंट। तो आप उस पर क्लिक करके और अपनी ये सेटिंग को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपको एडवांस के ऊपर ही आपको यूट्यूब कीवर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, चैनल कीवर्ड्स। उसमें आप अपने चैनल के कीवर्ड्स डालिए, जैसे कि यूट्यूब से रियलिटी वीडियो बनाते हैं, अनबॉक्सिंग पर वीडियो बनाते हैं, किसी टॉपिक पर भी वीडियो बनाते हैं, आप अपने उस पर कीवर्ड्स लिख दीजिए। आप पर कौन सी वीडियो आप बनाते हो, इससे भी आपके चैनल ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पता चल जाता है YouTube को भी हाँ भी ये बंदा YouTube के टिप्स पर वीडियो बनाता है, मोबाइल अनबॉक्सिंग पर वीडियो बनाता है, इस वजह से भी आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब दूसरी टिप की बात करें, दूसरी टिप आती है आपकी ब्रांडिंग। जी हाँ, आपकी लोगों का जो ब्रांडिंग होता है, जैसे कि आप मान लो आप एक वीडियो देखते हो, मेरी भी वीडियो देखते हो, उसके एक साइड पर लोगो लिखा देखने को मिल जाता है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम लिखा देखने को मिल जाता है। आपको वैसे ही आपको भी अपने चैनल में अपनी वीडियो में करना होगा। आपको ये करने के लिए आपको जैसे कि आप चैनल में गए थे, चैनल के ऊपर आपको एडवांस मिला था, एडवांस के ऊपर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है ब्रांडिंग का। आप ब्रांडिंग को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जैसा कि आपको पूछा जा रहा है आप कौन सा लोगो लगाना चाहते हैं अपनी इस वीडियो में। तो आप अपने अगर कोई लोगो बनाकर रखा हुआ है, सब्सक्राइब का लोगो है आपके पास, आप उसको ऐड कर सकते हो। अगर आपको अपने चैनल का लोगो है, आप उसको भी ऐड कर सकते हो। अगर कोई भी बंदा आपकी वीडियो को देखेगा, उसको ये लगेगा हाँ अभी ये प्रोफेशनल वीडियो बनाता है, उस लोगो को देखकर आपकी वीडियो प्रोफेशनल लगेगी और आगे रैंक करेगी आपकी वीडियो। अब बात करते हैं अपनी तीसरी सेटिंग की, जो कि तीसरी सेटिंग है जिसमें आपको अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लिखने हैं। जी हाँ, आपको अपने चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आपको तीसरे नंबर पर देखने को मिल जाता है अपलोड डिफ्यूज, उसमें आपको जाना है। क्लिक करने के बाद आपको दूसरा इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको फर्स्ट नंबर पर ही आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैक्स देखने को मिल जाते हैं। आपको इसमें अपना टाइटल लिखना है, जिस वीडियो पर आप वीडियो बनाते हो, रियलिटी वीडियो बनाते हो,
यूट्यूब टॉपिक पर वीडियो बनाते हो, आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन ये लिखना है, अगर आप कोई भी लाइव आते हो, कुछ भी ले आते हो, अपने चैनल का कुछ भी लोगो देना होता है या अपने चैनल का लिंक देना होता है, आप उसमें दे सकते हो। अपना ऑटोमेटिक वीडियो अपलोड करने के पहले ही आपका सब कुछ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स सब कुछ वीडियो में चले जाता है, और उस वजह से आपका चैनल जल्दी से रैंक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें आप अपना टैक्स भी लगा सकते हो, जौन जौन से आपको टैक्स लगाने हैं, जो आप लगाना चाहते हो आप इसमें परमानेंट लिख कर रख सकते हो। वीडियो अपलोड करने के बाद आपका टैक्स भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैक्स देखने को ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। इससे भी आपका चैनल ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हो मेरे चैनल पर, जो कि मेरा ऑफिशियली चैनल है जिस पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आप देख ही सकते हो मैंने भी अपने चैनल पर यह सेटिंग की हुई है, जिस वजह से मेरा चैनल ग्रो हुआ है। अगर आप भी यह सेटिंग करते हो आपका भी 100% चांसेस बढ़ जाते हैं चैनल ग्रो होने के। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप यह तीन सेटिंग को अनलेबल करते हो आपका 100% चैनल ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।